अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू मॉम्स पैशन। अगर आपका घर और किचन छोटा है और आपके पास स्टोरेज स्पेस बहुत कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी कि जिनका यूज़ करके आप अपने किचन और घर में मौजूद कम स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIYs, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम डेकोर की वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करते हैं। उसके लिए बिल्कुल डोर के साथ वाली वॉल जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने कील पहले से लगवा लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पेज लगाने की भी जगह है, आप चाहें तो कमांड हुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कील लगवाए हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र ऐसा है कि जितनी भी कम स्पेस हो आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स इसको दी जा सकती हैं। तो ये एंट्रेंस है घर की और उसके बिल्कुल साथ वाली वॉल है, और यहाँ पे मैं हैंग करूँगी वो चीज़ें जो हमें बाहर घर से बाहर जाते वक्त ज़रूरत होती हैं, जिसमें मास्क हैं हम सब के, वो मैं यहाँ पे हैंग कर लूँगी। और इस तरह जो है जो चीज़ें बाहर जाते वक्त यूज़ होती हैं वो जब डोर के बिल्कुल करीब भी आपको मिल जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये है मेरे बेटे की पी कैप, और गर्मी चूँकि ज़्यादा है, बाहर धूप होती है, वो बाहर जाते वक्त इसको चाहिए होती है, तो ये भी मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। इसके साथ ही जो है मेरा की होल्डर लगा हुआ है, बट उसमें बहुत ज़्यादा कीज़ हो गई हैं, इसे आप ऐसा की होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कीज़ मैं वहाँ से हटा के यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र है, और बहुत ही यूज़फुल है, और बहुत ही कम स्पेस लेता है आपके घर की। सेकेंड ऑर्गेनाइज़र जो है वो किचन से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो है मैंने उसकी जगह जो है वो चूज़ की है। उससे पहले ये जो ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है, अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं हैंग करूँगी, ये ऑर्गेनाइज़र उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका किचन बहुत ही टाइनी किचन है और जहाँ पर ड्रॉर्स और कैबिनेट्स बहुत ही कम हैं, तो वो उनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उसको हम हैंग करेंगे दीवार पे। पहले से मैं दो कील जो है यहाँ पे लगवा चुकी हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कमांड हुक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कील लगवाए हैं क्योंकि कील जो है वो थोड़े ज़्यादा वेट को जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले ऑर्गेनाइज़र के लेवल में, देखिए पहला ऑर्गेनाइज़र भी मेरा दीवार पे लगा हुआ है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किचन बहुत छोटा है। जो लोग रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं और जिनका जो है किचन बहुत ही स्मॉल होते हैं वो इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस बास्केट का यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ये बास्केट्स छोटी होती हैं बट बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, आप चाहें तो इसको कमांड हुक या कील की मदद से लगा सकते हैं, बट मेरी यहाँ पे स्पेस इतनी फिक्स है कि ये बास्केट देखें खुद ही वहाँ पे फिक्स हो गई है बग़ैर किसी चीज़ के साथ इसको हैंग किए। तो इस बास्केट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ उन मसालों के लिए जो कि मुझे यूज़ करने होते हैं, जो बॉक्सेस में होते हैं, जैसे बिरयानी मसाला, अचार गोश्त मसाला या रसमलाई वगैरह। तो ये बॉक्सेस जब मुझे चाहिए होते थे तो मुझे पेंट्री सेक्शन से जाके लेने पड़ते थे, बहुत दिक्कत होती थी और टाइम भी मेरा वेस्ट होता था। तो बहुत ही कम स्पेस में ये बास्केट जो है यहाँ पे हैंग हो गई है, और इसमें मैंने अरेंज कर लिए हैं अपने सारे बॉक्सेस वाले मसाले, और आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिल रहा है कि जिनकी नीचे को स्पेस कम है, काउंटर टॉप पर स्पेस कम है, वो इस तरह अपनी वॉल्स को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइज के थ्रू। इसी बास्केट का मैं आपको एक और यूज़ बताने वाली हूँ कि इसको आप सिंक के पास यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए ये यहाँ पे मैंने दो कील लगवा लिए हैं, और इसमें जो है मैंने जो है बाइंडिंग वायर जो है उसको दो पीसेस उसके इस तरह करके उनको सर्कल में फिक्स कर दिया है। तो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी इस बास्केट को। ये बास्केट यहाँ पे मेरी स्पेस बिल्कुल नहीं है किचन में सिंक के साथ, जहाँ पे मैं अपना स्क्रबर, स्कॉच ब्राइट या स्पंज वगैरह, वॉशिंग के जितने चीज़ें हैं वो मैं रख सकूँ।
ये देखिए, इसमें मैंने बाइंडिंग वायर वहाँ से निकाल ली है और अब इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगी प्लास के साथ। अच्छे तरीके से उसको मैंने टाई अप कर दिया है। और ये देखिए, ये नीचे से ओपन है तो जो भी पानी होता है स्पंज में या स्क्रबर में तो वो यहाँ से नीचे ड्रेन हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये बास्केट यहाँ पे काम करेगी और चीज़ें भी आपकी पास हैंडी रहेंगी। और इस तरीके से ये बास्केट्स जो हैं आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक बेस्ट यूज़ था इस बास्केट का यहाँ पर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हम अपना ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने लगे हैं वो मेरा मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है और इसको आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर रही हूँ। 3 इसमें जो है पोर्शंस दिए गए हैं और इजीली आप इसमें अपनी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी जो वीडियो है ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन की नहीं देखी तो लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कितने छोटे एरिया में जो है मैंने अपनी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ किया था। बट वो प्रॉब्लम ये था कि जो टेबल थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, साइड टेबल जिसको मैंने यूज़ किया था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो गई थी जिसकी वजह से मुझे चीज़ें यूज़ करने में थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम होता था। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र चूज़ किया है और इसमें आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट पोर्शन में मैंने अपनी वो किट्स रखी हैं जो मुझे डेली यूज़ में आती हैं और साथ में फेस पाउडर। इसके बाद सेकंड पोर्शन में जो है वो मैंने अपने मस्काराज और कंसीलर व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं उनको कर दिया है, और लास्ट पोर्शन में जो है सारे लिप कलर्स को जो है मैं अरेंज कर दूंगी। इस तरह मुझे यूज़ करने में बहुत आसानी होगी, ये हैंडी रहेंगे, ब्यूटीफुल भी लग रहा है और ड्रेसिंग के मिरर के साथ मैचिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस किस्म का जो है ये खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही स्लिम स्मार्ट सा है। ज़्यादा स्पेस भी इसने नहीं ली है, वॉल पे हमने इसको हैंग किया है और है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। और इससे जो है आपकी पैसे भी बचेंगे और आपकी स्पेस भी जो है वो सेफ रहेगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप रेट में आपको जो है हार्डली 250 में जो है ये आपको ऑर्गेनाइज़र ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, आपस की बात है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे तो इस तरह की जो सेटिंग्स करके और ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर को एक सेटिस्फेक्शन से मिलती है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ जो है वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी, देखिएगा ज़रूर। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।